हेलो सेकंड क्लास। तो जो लास्ट हमने अपना लेसन जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आज हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेसन में हमने कंप्यूटर के पार्ट्स में पढ़े थे और कुछ एक्सटर्नल पार्ट भी पढ़े थे, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी हमने उसमें पढ़े थे। अब अगला है आपका सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ और पार्ट्स आपको दिखा रखा है कंप्यूटर के। जैसे पहला है सीडी। सीडी इज़ यूज टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। सीडी में आप वो काम स्टोर कर सकते हो जो भी आप कंप्यूटर के अंदर करते हो। इट इज़ यूज बाय इंसर्टिंग इन अ सीडी रोम ड्राइव। यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि सीडी को आप कैसे यूज़ करोगे। आप सीडी रोम जो ड्राइव होता है उसके अंदर सीडी रख के आप उसको यूज़ करोगे। सीडी रोम ड्राइव इज़ इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो सीडी रोम ड्राइव होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है, आपको बस बटन प्रेस करना होता है, वो बाहर की तरफ आता है, उसमें सीडी रखनी है और वो क्लोज हो जाता है। अगला है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। पेन ड्राइव भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं जो भी काम हम कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं। इट इज़ यूज बाई पुटिंग इन साइड अ USB पोर्ट। जो पेन ड्राइव कैसे यूज़ करते हैं, जो USB पोर्ट होता है उसमें आपको अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करना होता है और वो काम करता है। USB पोर्ट इन साइड द CPU बॉक्स, और USB पोर्ट भी आपको पहले से ही CPU बॉक्स में दे रखा होता है। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर द वर्क वॉट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है और ये भी आपके काम को स्टोर करता है। इट इज़ फिक्स इन साइड द CPU बॉक्स। बस फ़र्क इतना है कि सीडी और पेन ड्राइव को आप अलग से कंप्यूटर के अंदर प्लेस अपने सीपीयू में प्लेस कर सकते हो, लेकिन जो हार्ड डिस्क होता है वो पहले से ही प्लेस होती है अपने सीपीयू में, उसको अलग से नहीं कर सकते, आपको पहले से ही उसके अंदर फिक्स होती है। तो ये लेसन थे, ये लेसन बहुत छोटा था क्योंकि बस यही तीन चीज़ें बची थी जो हमने नहीं की थी। यहाँ पे दिखा रखा है आपको SD कार्ड विच आर यूज इन मोबाइल फ़ोन कैन ऑल्सो बी यूज एज स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर वर्क। फ़ोन के अंदर हम क्या लगाते हैं, SD कार्ड लगाते हैं। उससे क्या, वो क्या किस काम में आता है कि जो भी फ़ोन के अंदर जो भी हमारा डाटा होता है वो उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। वो भी एक तरह का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये याद रखना है कि जो भी जो पार्ट्स जो कंप्यूटर की जो चीज़ें स्टोर करते हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये दिखा रखा था कि आर एयरफोन्स ऑल्सो आर टाइप ऑफ हेडफोन। एयरफोन देखे आपने उसको, जिसको कॉमनली हम लीड बोलते हैं, जो हम कानों में लगाते हैं, वो भी एक तरह के हेडफोन्स ही होते हैं, क्योंकि उस को भी जब हम सुनते हैं तो वो सिर्फ आवाज़ हमें सुनाई देती है, उससे दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होती है। द लैपटॉप कंप्यूटर हैव इनबिल्ट स्पीकर। यू डू नॉट नीड टू अटैच एनी एक्सटर्नल स्पीकर टू अ लैपटॉप फॉर हियरिंग द साउंड एंड म्यूजिक। जो लैपटॉप होता है उसमें पहले से ही स्पीकर दे रखा होता है, आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप अलग से कोई स्पीकर या कुछ भी चीज़ उसमें अटैच्ड करो, वो अलग पहले से ही उसमें होता है। तो आपको जो भी उसमें आप देखते हो या सुनते हो वो आपको उसकी आवाज़ बाहर सुनाई देती है। तो ये लेसन था जो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके साथ जो काम आएगा वो आपको करना है। ओके बेटा, बाय।